सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरी जो आज की वीडियो है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सॉल्यूशन के बारे में, कि ये टोनिंग सॉल्यूशन आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना होता है ग्लाइकोलिक एसिड को अपनी स्किन पे लगाने से पहले, क्योंकि ये इतना अच्छा एसिड है जो आपकी स्किन में बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप लोगों को दे सकता है। लेकिन अगर आपने इसके रूल फॉलो नहीं किए इसको अप्लाई करने से पहले, तो ये आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकता है और आपकी स्किन में प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि ग्लाइकोलिक एसिड को अपनी स्किन पे कैसे यूज करें, कौन से मेजर कंसर्न है जिसपे ये काम करता है, किसके साथ इसको पेयर अप किया जा सकता है, किसके साथ इसको बिल्कुल अवॉइड करना होता है, इसको अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ आप लोगों को आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। तो बहुत से ब्रांड के ग्लाइकोलिक एसिड मार्केट में अवेलेबल है, बट द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सॉल्यूशन बेस्ट माना जाता है और सब लोग इस एसिड को यूज करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगी कैसे इस टोनिंग सॉल्यूशन को आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें ग्लाइकोलिक एसिड कब यूज करना चाहिए, कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड को यूज करना बनता है। ये ग्लाइकोलिक एसिड है तो कोई भी अपनी स्किन पे यूज कर ले ऐसा नहीं होता है। ग्लाइकोलिक एसिड को यूज करने के लिए आपकी स्किन पे अगर ये मेजरली प्रॉब्लम्स आ रही हैं तभी आपको ग्लाइकोलिक एसिड अपनी स्किन पे यूज करना है, अदरवाइज आपको ग्लाइकोलिक एसिड यूज करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट जो है, जो मेन पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 ईयर्स से जितने भी नीचे के लोग हैं, 25, 24, 21 ईयर्स, उन लोगों को ग्लाइकोलिक एसिड अपने स्किन पे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिक एसिड 7% ये एक एसिड है और एसिड को इतनी यंग स्किन पे यूज करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो उन लोगों को ग्लाइकोलिक एसिड अपनी स्किन पे टोटली अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप 30 से अबव हैं और आपकी स्किन पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन डेफिनेटली यस, आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्ने, एक्सफोलिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, एंटी एजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, फाइन लाइन एंड रिंकल के लिए यूज कर सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एक्ने मार्क्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी डार्क स्किन पैचेस की प्रॉब्लम है तो वहां पे भी ग्लाइकोलिक एसिड यूज हो सकता है। अगर आपके ये कंसर्न स्किन में है तो डेफिनेटली आप ग्लाइकोलिक एसिड अपने स्किन पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्लाइकोलिक एसिड को हमेशा नाइट टाइम में यूज करना है। यूज ग्लाइकोलिक एसिड एट नाइट टाइम ओनली। डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में ग्लाइकोलिक एसिड नहीं आना चाहिए, स्किन पे लगा के सन रेज में नहीं जा सकते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड हमेशा नाइट टाइम में यूज करना चाहिए, तभी उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आपने आज रात को ग्लाइकोलिक एसिड अपनी स्किन पे अप्लाई किया है तो आपको मॉर्निंग में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी है, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाएगी। इसलिए ग्लाइकोलिक एसिड, अगर आपकी सनस्क्रीन, अगर इनकेस आपकी सनस्क्रीन अगर खत्म हो चुकी है तो उस रात आप ग्लाइकोलिक एसिड नहीं अप्लाई करेंगे। ग्लाइकोलिक एसिड तभी अप्लाई करना जब आप सुबह सनस्क्रीन लगाने के लिए रेडी हैं। तो ये मेजर रूल है ग्लाइकोलिक एसिड को अप्लाई करने का, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं बताते और आप लोग रात को ग्लाइकोलिक एसिड अपने फेस पे लगाते हैं और सुबह सनस्क्रीन नहीं लगाते और स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। आपको पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद ही ग्लाइकोलिक एसिड आएगा। फेस वॉश करना जरूरी है, डबल क्लेंजिंग कीजिए, उसके बाद ही आप ग्लाइकोलिक एसिड अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, वही सही तरीका है इसको अप्लाई करने का। सो अब ग्लाइकोलिक एसिड को किसके साथ आप पेयर अप कर सकते हैं, ये एक मेजर कंसर्न है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग ग्लाइकोलिक एसिड भी लगाते हैं और उसके बाद और एसिड अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं ये सोच के कि ये इन चीजों पे काम करेगा और वो मेरे उस चीजों पे काम करेंगे, तो हम इनको पेयर कर लेते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड बहुत से ऐसे एसिड हैं जिनके साथ पेयर नहीं किया जाता, लेकिन पहले देख लेते हैं किसके साथ पेयर अप किया जा सकता है। तो आप इसको बेस्ट, अगर इसका रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको हेलुरोनिक एसिड के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एक हेलुरोनिक एसिड ही ऐसा है जो ग्लाइकोलिक के साथ बेस्ट पेयर माना जाता है, क्योंकि हेलुरोनिक एसिड मोस्टली सारे एसिड के साथ लगाया जा सकता है, इसलिए वो ग्लाइकोलिक के साथ भी चल जाता है। अगर आप इन दोनों को पेयर अप करके लगाएंगे, पहले ये लगा लीजिए या वो लगा लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा थिन है तो थिन पहले आता है और थिक वाला बाद में। और सेकेंडली आप इसको पेयर अप कर सकते हैं विटामिन सी के साथ, विटामिन सी के साथ भी आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर सकते हैं, एक हाइलुरोनिक एक विटामिन सी। अगर आप इनको इसके साथ पेयर अप करते हैं तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छा रिजल्ट शो होगा।
ये ऐसे इसके पेयर्स हैं जो आप बना के यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर एक बार बोलूंगी कि हेलरोनिक के साथ तो आप इसको फॉर श्योर यूज कर सकते हैं, लेकिन विटामिन सी के साथ एक बार पैच टेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि किसी किसी को थोड़ा बहुत इरिटेशन हो सकती है। अगर हुई तो आप सिर्फ ग्लाइकोलिक एसिड को हेलरोनिक के साथ ही अप्लाई कीजिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आ रही है विटामिन सी के साथ पेयर अप करने में तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसको किसके साथ पेयर नहीं करना है, और अगर आपको वो एसिड भी लगाना बहुत जरूरी है तो आपको कैसे लगाना है। फर्स्टली, ग्लाइकोलिक एसिड को नहीं यूज करना चाहिए रेटिनॉल के साथ। अगर ये दोनों आपने साथ में यूज किए तो आपकी स्किन में इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाएगी। सेकंड, ग्लाइकोलिक एसिड को कभी भी सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज ना करें। तो ग्लाइकोलिक एसिड को आप लोग सैलिसिलिक एसिड के साथ भी बिल्कुल यूज मत कीजिए, उससे भी स्किन में इरिटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक्ने है, उसमें ऑयली है, इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती है, और ग्लाइकोलिक एसिड आप लोग यूज कर रहे हैं, तो नियासिनमाइड को भी इसके साथ पेयर अप मत कीजिए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आप लोगों को उनको जरूरी है अपने स्किन पे लगाना तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन ऐसे एसिड मैंने आप लोगों को बता दिए जिसके साथ आप लोगों को ग्लाइकोलिक को बिल्कुल भी पेयर नहीं करना है। हाँ, आप यूज कर सकते हैं, बट कैसे? अल्टरनेट डेज में। जैसे जिस दिन आप ग्लाइकोलिक लगा रहे हैं उस दिन आप रेटिनॉल या सैलिसिलिक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जिस दिन आप लोग रेटिनॉल अप्लाई कर रहे हैं उस दिन आप ग्लाइकोलिक मत लगाइए। अल्टरनेट डेज में आप लोग इनको यूज कर सकते हैं, या तीन दिन ये सीधे यूज कीजिए, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप लोग रेटिनॉल यूज कर लीजिए, या सैलिसिलिक जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उस तरीके से आप लोग ग्लाइकोलिक को अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं। इन एसिड्स को पेयर नहीं करना है, आप इन लोगों को टर्न वाइज जरूर अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते, बट पेयर बना के आपको इन एसिड को अपनी स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। ये बिग नो है। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड को हम लोगों को किसी भी फार्मेसी प्रोडक्ट के साथ अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है, लेकिन अगर आपके स्किन स्पेशलिस्ट ने आपको ये बात बोली है कि आप यूज कर सकते हैं और उसका एक वे आप लोगों को लगाने का बताया, देन डेफिनेटली यस, आप लोग यूज कर सकते हैं। मगर खुद से एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना, या तो फार्मेसी प्रोडक्ट लगा लेना या ग्लाइकोलिक अप्लाई कर लेना अगर आप खुद से कोई भी ऐसी चीज यूज कर रहे हो। वैसे फार्मेसी प्रोडक्ट को खुद अपनी स्किन पे अप्लाई करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो हम लोग अपनी मर्जी से भी लगा सकते हैं फार्मेसी की। अगर आप वैसा कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करना, इनको पेयर अप नहीं करना। तो ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं नहीं करने वाली, वो बहुत जरूरी हैं, वो आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि उसी से स्किन में मेजरली और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। आपके एसिड की पेयरिंग जो है वो गलत होती है, जिससे स्किन और खराब होती चली जाती है, स्किन में और ज्यादा इरिटेशन होती है, स्किन पे और ज्यादा पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी एसिड यूज करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप इसको फेस में यूज कर सकते हैं, अपनी एल्बो में यूज कर सकते हैं, अंडर आर्म्स में यूज कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई डार्क पैच है आप उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी की एल्बो बहुत ज्यादा डार्क होती है, अंडर आर्म्स डार्क होती है, आप उसमें ग्लाइकोलिक एसिड डेफिनेटली यूज कर सकते हो और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। और वहां पे फिर अगर आप सुबह जा रहे हो तो आपको उन उन एरिया में भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी पड़ेगी जहां जहां आपने ग्लाइकोलिक एसिड को अप्लाई किया था, लाइक एल्बो, आपको इसमें भी सनस्क्रीन अप्लाई करनी पड़ेगी। सनस्क्रीन अप्लाई अगर नहीं की तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, तो उसका ध्यान जरूर रखें। तो यही है सारे मेजर रूल ग्लाइकोलिक एसिड को सही तरीके से यूज करने के। आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आई होगी, और अगर कुछ पॉइंट आप लोगों को समझ नहीं आए और आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा किसके साथ पेयर करना है, किसके साथ नहीं करना, कौन सा एसिड हम लोग कब अप्लाई करें, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखा करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।